यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल होम। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन MEID डिवाइस के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो MEID फ़ोन्स होते हैं, MEID डिवाइसेस, उनमें आप किस तरीके से iCloud को बाईपास कर सकते हैं, विद सिम वाला मेथड बताऊंगा, विदाउट सिम वाला भी मेथड बताऊंगा, और दो मेथड्स हैं, एक पेड सर्विस है और एक फ्री सर्विस है। तो मैं पहले नंबर पे जो मैं फ्री सर्विस आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूज़र्स ने कमेंट किए थे कि सर कोई फ्री सर्विस भी बता दो जिसमें केवल iCloud बाईपास हो जाए, अकाउंट लॉगिन हो सके iCloud का और नोटिफिकेशन फिक्स हो, तो वो मेथड मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें ये भी मेथड बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन को iCloud को बाईपास कर सकते हैं विद सिम परमानेंटली, पर वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो पहले नंबर पे हम फ्री वाली बात कर लेते हैं। तो फ्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक टूल आता है एक्सडेंड्रा के नाम से, AIO फ्री अनथ्रेटेड बाईपास। इस टूल में आप GSM और MEID दोनों को यूज़ कर सकते हैं, हेलो स्क्रीन दोनों में ही रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। पेड सर्विस है GSM की, इसकी आप GSM की पेड सर्विस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ देखते हैं MEID में, मैं आपको बता दूँ कि MEID में आपका केवल सिम वर्क नहीं करेगा, नोटिफिकेशन फिक्स हो जाएगा, iCloud लॉगिन होगा और सारे इश्यूज़ फिक्स हो जाएंगे, रीस्टार्टिंग इशू फिक्स हो जाएगा, अनथ्रेटेड बाईपास होगा, रिस्टार्ट करेंगे तो दोबारा से iCloud नहीं लगेगा, ये सारे इशूज़ फिक्स हो जाएंगे MEID में। और GSM में भी सेम वही चीज़ है, वही चीज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये फ्री की बात बोली मैंने, अब मैं आपको पेड सर्विस के बारे में बता दूँ। सो गाइस, मैं आपको पेड में केवल एक iPhone 6 का बताऊँगा कि iPhone 6 में कितना चार्ज लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो बहुत ही कम लोग इसको अफोर्ड करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है iPhone 6 MEID डिवाइस है, उसमें मिनिमम जो आपका पेमेंट लगेगा वो लगेगा करीब करीब 5 से 6 हज़ार के अराउंड, मतलब 5 हज़ार से लेके 6 हज़ार के बीच में आपका पैसा लगेगा, तब जाके आप अपने फ़ोन को परमानेंटली iCloud बाईपास कर सकते हैं। इतने में आप एक नया फ़ोन ख़रीद सकते हो, iPhone 6 सेकेंड हैंड, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस पर वीडियो बनाओ, तो मैंने इसमें वीडियो बना दी है। अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, iPhone 11 हो गया या 11 Pro हो गया या फिर 12 हो गया या फिर जो भी हो गया, जो भी iPhones के जो लेटेस्ट मॉडल हो गया या फिर पुराने MEID डिवाइसेज हो गई, अगर आपको बाईपास करवाना है, अगर आप इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप जहाँ मर्जी वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, और आशा करता हूँ आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त का जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।